और ये जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे, जेल में बंद कर देते थे। सत्ता का नशा उतना था उनको। साथियों, मैंने सालों तक संगठन में ही काम किया है। मैं भी कभी इसी प्रकार की बैठकें लिया करता था, दौरा किया करता था, सदस्यता अभियान का हिसाब किताब किया करता था और मेरी ट्रेनिंग इस काम के लिए प्रमुख रूप से हमारे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी ने की थी और वे इस विषय में बहुत आग्रही रहते थे। थोड़ा सा भी वो इधर उधर स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता था कि भाई ये स्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी स्ट्रक्चर ने देश के आशा अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए एक माध्यम बना दिया। अब हम सदस्यता के लिए जाएंगे। साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है, वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है परिवार के विस्तार का आनंद होता है। और इसलिए ये सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं दोस्तों। कितने नंबर हम पार कर जाएंगे ये नहीं है। ये सदस्यता अभियान एक पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है। और हमने संगठन की गाड़ी को उस पटरी पर दौड़ाना है जिसमें वैचारिक धार भी हो और भावनाओं से भरपूर भी हो, क्योंकि हमारी भावनाएं देशभक्ति से प्रेरित है। मां भारती के कल्याण के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए ये जो सदस्यता अभियान होगा, संगठन की रचना होगी, बूथ कमेटियां बनेगी। पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें, कुछ चीजें हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या? जैसे ये जो सदस्यता अभियान होगा, उसी समय जो संगठन की रचना होगी, उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया होगा। महिलाओं के लिए अगर ये 33% रिजर्वेशन इसी कालखंड में आने वाला है तो क्या मेरी सदस्यता अभियान में मैं ऐसे सभी लोगों को जोड़ूंगा जो मेरे पार्टी के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकतम महिलाओं को विजयी बना करके एमएलए एमपी बना सके?
साथियों, हमारे देश में पूरे विश्व के लिए, खास करके ग्लोबल साउथ के देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मॉडल रूप काम हमने किया है और वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक। और हम चाहते हैं कि जो अब तक जिसकी कोई चिंता कोई नहीं करता था, परवाह नहीं करता था, मुलाजिम भी वहां पर नौकरी करने के लिए जाने को तैयार नहीं होता था, पिछड़े रहते थे, हमने उसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाया है। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उस राज्य की जो पैरामीटर्स हैं उसमें जरा भी वो पीछे ना हो, हो सके तो उससे भी आगे जाए और हो सके तो नेशनल लेवल पे भी जो पैरामीटर्स में हो जाए। और इतना सुखद अनुभव रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में गवर्नेंस पर फोकस करने के कारण, जन भागीदारी के कारण, जन सामान्य की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को चिन्हित कर उस पर काम करने के कारण आज देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक करीब करीब स्टेट में टॉप की बराबरी करने लग गए हैं। क्या हम अपना संगठन की रचना करते समय ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, उसमें विशेष अभियान चला करके वहां के हर पोलिंग बूथ में अपना झंडा गाड़ सकते हैं? दोस्तों, और हमें कागज लेके बैठना पड़ेगा भाई, मेरे इलाके में ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है, उन एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर इतने पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ के अंदर मुझे इतनी मेंबरशिप का टारगेट है, मैं उसको करूंगा। हम प्रयास करें। आपने देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। किसी समय हिंदुस्तान के आखिरी गांव के रूप में सीमावर्ती गांव जाने जाते थे और नेगेटिविटी का जन्म उस शब्दों में ही शुरू हो जाता था। हमने तय किया कि आखिरी गांव नहीं है, ये मेरे देश के पहले गांव है। अगर ये गांव हिंदुस्तान के सीमा के छोर पर है, अगर सूरज की पहली किरण आएगी, पूरब में होगा, तो पहले उसी को स्पर्श करते हुए हम तक पहुंचेगी, वो पहला गांव है। और इसलिए हमने पूरी तरह बदला है विचार। क्या हम एक स्पेशल इकाई बनाएं, जो जो राज्य सीमावर्ती राज्य है, वे ये जो पहला गांव है उसमें सबसे पहले मेंबरशिप का अभियान चलाएं और पूरे के पूरे गांव को भारतीय जनता पार्टी का किला बना सकते हैं? और जो सीमा के आखिरी छोर पर बैठा हुआ वो गांव, जब भारतीय जनता पार्टी का किला बनता है ना, तब वो भारत का किला अपने आप बन जाता है। तो मेरे लिए सदस्यता ये सिर्फ पार्टी का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी सदस्यता मेरे देश को मजबूत बनाने के लिए भी है। और इसलिए मैं उन गांवों को किला बना के छोड़ूंगा। ये सब मुमकिन है लाखों कार्यकर्ताओं के तपस्या के कारण।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।